Hey everyone, so here is another video on presentation on the theme of that long silence. इस पूरे that long silence को मैं अच्छे से define कर चुकी हूँ novel को. In my previous video, I will give you link in the description below. So please do watch the whole video so that you can understand what was the summary. And then here is about the theme of that long silence. About Shashi Deshpande, her quote and theme of that long silence. That is what we are going to study today. Shashi Deshpande. She was born on 19 August 1938 in Dharwad. By occupation, she was a writer. Her notable works are The Dark Holds, Notera, Roots, and The Shadow and That Long Silence. Award, she won a Sahitya Akademi Award and Padma Shri Award. Here is one quote by her. Things can never be as they were. It's astonishing how we comment on change. As we change, is something remarkable. On the contrary, not to change in unnatural against nature. So things can never be as they were. कभी भी चीज़ें वो नहीं होती हैं जैसे कि हमेशा से रही हैं. चीज़ें हमेशा रेक्टिफाई होके ही आएंगे आपके सामने. जो चीज़ जो परिस्थिति आपकी आज है ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी रहेगी. हो सकता है कल चीज़ें बेटर हो जाएं. उसका वेट करना होता है, उसके लिए वर्क करना होता है. इट इज़ एस्टोनिशिंग हाउ वी कमेंट ऑन चेंज. ये बहुत ही एस्टोनिशिंग है, बहुत ही ऐसा अमेजिंग फैक्ट है कि हम ना किस तरह से चेंजेस पे कमेंट करते हैं. चेंज इज़ समथिंग रिमार्केबल. अगर कोई चेंज ना बहुत ही रिमार्केबल ना, तो हम चेंजेस पे बहुत ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, नॉट टू चेंज इज़ अननेचुरल. कभी भी अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो तो वो चीज़ अननेचुरल है, अगेंस्ट नेचर. क्योंकि आपको चेंजेस तो अपने अंदर लाने ही होंगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू सर्वाइव ऑन दिस प्लेनेट. हियर इज अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑन द थीम ऑफ दैट लॉन्ग साइलेंस. तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ेंगे सर्च फॉर आइडेंटिटी, देन मैरिज एंड पैट्रियार्की. ये तीन मेन थीम है. इसके अलावा भी इसमें थीम के बहुत अभी आगे और पार्ट आएंगे. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट इज़ अबाउट द थीम ऑफ आइडेंटिटी. जयाज़ हस्बैंड मोहन वॉज अ सॉर्ट ऑफ मैन हु मैरिड हर फॉर हिज सोशल बेटरमेंट. जया ने मोहन ने जो हस्बैंड अपने हस्बैंड जया से जो शादी की थी, मतलब मोहन जिस तरह से जया को शादी करके घर में लाया था, वो अपने सोशल बेटरमेंट के लिए लेकर आया था घर में. कई बार लड़के शादी इसलिए कर लेते हैं कि अगर लोग बोल रहे हैं या एज हो गई है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आ रही होती, तो एक ये एक प्रॉब्लम थी इनके बीच. जया हैड लॉस्ट हर फादर एट द एज ऑफ 15. जया ने अपने फादर को खो दिया था 15 की एज में. एंड हर ब्रदर कंसिडर्ड हर अ बर्डन. और उसके ब्रदर ने उसको हमेशा एक बर्डन की तरह ही लेके चला, वो कि ये तो मैं हमारे घर में एक बर्डन है. एंड दिस लीड हर टू मैरी मोहन. और इसलिए फाइनली उसको मोहन जैसे इंसान से भी शादी करना पड़ गई. बिफोर हर मैरिज, जया हैड बीन टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हस्बैंड इन द लाइफ ऑफ अ वुमेन. जया को शादी से पहले बहुत लोगों ने समझाया कि अगर एक आदमी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एंड ऑल पति परमेश्वर होता है. ये सारे थीम्स आप सुनते होंगे, हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में बहुत प्रेवलेंट है. तो जया को बहुत बताया गया कि हस्बैंड ही सब कुछ होता है, उसकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है, एक वुमेन कितनी अच्छी हो जाती है उसके बाद. ये सारी चीज़ें थी. वनिता मामी टेल्स हर दैट अ हस्बैंड इज़ अ शेल्टरिंग ट्री. वनिता मामी ने जो एक कैरेक्टर आएगा इसमें, वनिता मामी, उन्होंने ये सिखाया था जया को कि जो जो एक हस्बैंड होता है ना, वो एक शेल्टरिंग ट्री होता है. वो हमें शेल्टर दिए होता है. मतलब हस्बैंड के बिना तो एक लड़की का कोई अस्तित्व है नहीं. ये उसको सिखाया जा रहा था. रामू काका रिमाइंड्स हर ऑफ द थिंग दैट द हैप्पीनेस ऑफ हर हस्बैंड एंड होम डिपेंड्स इंटायरली ऑन हर. उसके हस्बैंड की हैप्पीनेस और उसकी खुद की हैप्पीनेस और पूरे घर की जिम्मेदारी जया पर ही डिपेंड करती है. ये उसको रामू काका सिखाते थे. मतलब लोग ज्ञान दिए जा रहे थे, कुल मिला के ये बात है. व्हेन जया इज़ लीविंग हर होम आफ्टर मैरिज, हर मैरिज, दादा हैज़ एडवाइज्ड हर टू बी गुड टू मोहन. और दादा ने उसको ये एडवाइस किया था कि आपको अब मोहन के लिए अच्छे बन के रहना है. जयाज़ ब्रदर ब्रॉट मोहन विथ मनी एंड गेव हिम टू जया. तो जया का जो ब्रदर है ना, वो ब्रॉट मोहन विथ मनी. वो मोहन के लिए ना मनी, तो मतलब इस तरह से मनी वाली जो एक डिमांड हमेशा हम देखते हैं कि रखते हैं लोग. एंड गेव हिम टू जया. और जया को उसने मोहन को सौंप दिया. एंड शी ट्राइड टू बी गुड टू हिम. उसने फाइनली बहुत कोशिश की कि वो उसके लिए अच्छी रह पाए थी. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ जयास लाइफलेस काइंड
ऑफ मैरिड लाइफ। तो उसके ना जो है कि यहीं से एक ऐसी लाइफ शुरू हुई है जो कि लाइफलेस है। लाइफ तो है बट लाइफ नहीं है उसके अंदर, यू नो। तो मतलब जीवन तक जो हम अच्छी तरह से ज़िंदगी जीते हैं वो नहीं है। ये था थीम ऑफ आइडेंटिटी। नाउ हियर इज थीम ऑफ मैरिज। द थीम ऑफ मैरिज होल्ड्स अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर देशपांडे। अब ये जो देशपांडे, शशि देशपांडे, उनके लिए थीम ऑफ मैरिज जो है ना, वो बहुत अच्छा फैसिनेशन क्रिएट करता है, एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस मैरिज कल्मिनेट्स इन द ट्रेविस्टी ऑफ फेथ मैन एंड वुमन सीक्स इन ईच अदर, लीडिंग टू सफरिंग एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल लिमिटेशंस एंड मॉडर्न एस्पायरेशंस। जैसा कि हम देखते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक तो मॉडर्न चीज़ होती है और एक ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। तो ये जो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल है ना, इनके बीच का पंगा इसलिए चल रहा होता है क्योंकि लोग जो है वो मैक्सिमम केसेस में मैरिज को ना, कुछ लोग होंगे जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ऐसा ही रहना चाहिए लड़की को, वैसा ही रहना चाहिए शादी के बाद, और वो लड़की अगर थोड़ी सी भी मॉडर्न है, मॉडर्न इन द सेंस नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ क्लॉथ्स एंड ऑल एंड आउटफिट एंड ऑल, बट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ हर फ्रीडम वी कैन से, और वी कैन से लाइक हर स्टडीज़ एंड ऑल, अगर उसको पढ़ना है या और भी मॉडर्न सोच है अगर उसकी किसी भी बात को लेके, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती है फैमिलीज कई बार। तो वो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न के बीच का एक झगड़ा यहाँ पे बताया है। इन द प्रेजेंट नॉवल, ये जो नॉवल है शशि देशपांडे की लिखी दैट लॉन्ग साइलेंस, देशपांडे क्रिटिकली एनालाइजेस द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इन दैट लॉन्ग साइलेंस। दो थ्रू दिस सिंपल स्टोरी जया देशपांडे हैज़ रेज्ड मेनी इशूज़ रिलेटेड टू मैट्रिमोनी। मतलब देशपांडे ने, ये जो शशि देशपांडे, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जया के थ्रू इस स्टोरी में, इस नॉवल में बहुत सारे मैरिटल इशूज़ को दिखा दिया, जो कि किसी पर्सन को या मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। कई बार वो छुपाए रखती है लड़कियाँ, तो वो चीज़ें भी इसने यहाँ पे डिफाइन की हैं शशि देशपांडे ने। एंड क्वेश्चंस द कंसेप्ट ऑफ लव इन क्वेश्चंड द कंसेप्ट ऑफ लव एंड मैरिज। और देशपांडे ने ये जो लव एंड मैरिज के जो कंसेप्ट है ना, इन पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो दिस इज़ द थीम ऑफ मैरिज। देन थीम ऑफ पैट्रियार्की। द मेल सुपीरियरिटी सिग्निफाइज द पैट्रियार्कल कल्चर इन द फैमिली रिलेशनशिप बिटवीन जया एंड हर हस्बैंड मोहन। ये जो मैरिज के बाद में जो पैट्रियार्की, या फिर ये कह लो कि जो मेल सुपीरियरिटी हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, इंडियन सोसाइटी में तो बहुत ही ज़्यादा कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो जया और उसके हस्बैंड के बीच में ना बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से फाइनली इनका रिश्ता टूटने ही वाला होता है ऑलमोस्ट। द रिज़ल्ट ऑफ मैरिज यील्ड इनटू फ्रस्ट्रेशन। ये जो रिज़ल्ट ऑफ मैरिज है ना, इसका रिजल्ट क्या रहा मैरिज का, फ्रस्ट्रेशन हुआ, डिस्कार्ड एंड डिसहार्मनी एज देयर वॉज एब्सेंस ऑफ लव विथ ओनली सेक्स। तो लव की भी नीड है, नॉट ओनली जस्ट जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अलावा हमें एक इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होता है। गर्ल्स को भी समटाइम्स, मेनी टाइम्स बॉयज़ को भी, बट यस दैट इज़ नॉट फुलफिल्ड इन देयर रिलेशनशिप, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अगेन है ना। मोहन जो है वो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा जया पे, उस वजह से सिचुएशन क्रिएट हुई है। जया वॉज कंपेल्ड टू कीप साइलेंस। और जया को तो ये हमेशा उसको बांध दिया गया है कि नहीं, तुम्हें तो कंपेल्ड हो, तुम तो कंपल्सरीली तुम्हें चुप ही रहना है, यू हैव टू कीप साइलेंस एंड सरेंडर एंड अडॉप्ट सोशियो साइकिक नेचर। और आपको वही जो सोशल जो अभी तक चला आ रहा है ना इतने सालों से, उसी को फॉलो करो, ट्रेडिशनल नॉर्म्स को फॉलो करो, मुंह बंद रखो अपना, चुप रखो, दैट इज़ दैट लॉन्ग साइलेंस। सो ये थे थीम्स, तीन थीम मैंने आज डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी थीम है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गो टू द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। दिस वॉज ऑल इन दिस। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल।